हे गाइज, अरुण टेल चैनल में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो फ़ोटो है तो उसको पीछे का जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे हटाना है। गाइज, इस वीडियो में आप लोग पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि आपके जो कोई भी फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड चेंज कैसे करें। कितने सारे ऐप है उसमें आपको बैकग्राउंड का जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको हटाना पड़ता है, लेकिन आप यह ऐप के मदद से आपके जो बैकग्राउंड के पीछे का जो दिखता है वह हट जाएगा। तो गाइज, शुरू करने से पहले आपको यह भी बात बता दें कि जितने सारे यूट्यूबर हैं वह कितने सारे ऐप पे बताते हैं कि ऐसे हट जाएगा वैसे हट जाएगा, लेकिन आपसे नहीं हटता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको कैसे हटाना है। यह वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और जरी से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और बताते हैं कि आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज, हम लोग हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। अब आपको यह फ़ोन के स्क्रीन पे मैं बताऊंगा कि आपका जो फ़ोटो है उसको पीछे के जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कैसे करना है या रिमूव कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को खोलना है और उसको सर्च बार में, जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ, आपके फ़ोन में ऐसा प्ले स्टोर होगा, तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज लिखना है आपको। इस सर्च बार में लिखना है बैकग्राउंड चेंज, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बैकग्राउंड चेंज पहले से। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ बैकग्राउंड चेंज, ऐसे ही आपको सर्च बार में लिखना है। उसके बाद सर्च बार में लिखिएगा तो वह ऐप आ जाएगा जो बैकग्राउंड चेंज करने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो इसी पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद एक नंबर में जो ऐप आएगा वह बैकग्राउंड का ऐप आएगा, हो सके तो एक दो तीन नंबर में आ जाए, जैसे कि यह ऐप है, इसी से आपका बैकग्राउंड चेंज होगा। तो गाइज बता दें कि यह लड़की वाला जो ऐप है इसी से आपका जो बैकग्राउंड है वह चेंज होता है। तो इसको खोलना है, खोलने के बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद खुलता है, सॉरी गाइज, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो यह ओपन बताएगा, तो इसको खोलिएगा ओपन पे क्लिक करके। ओपन पे क्लिक करने के बाद यह बैकग्राउंड चेंज वाला जो सेटिंग है इसका वह अपने सेटिंग में लेकर चला जाएगा, जो इसके तीन मुख्य सेटिंग है जो बेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ से आप फोटो आपके गैलरी में से ले सकते हैं, यहाँ से आप खींच के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो फाइल है वहाँ से फ़ोटो में जो फाइल बनाए हैं फ़ोटो का वहाँ से लेकर चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो फ़ोटो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोटो जो व्हाट्सएप में है वह लेकर चला जाएगा। तो आपके जो फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार अपने फ़ोटो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग द फ़ोटो, तो यह फ़ोटो वह अपने सेटिंग में ले रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि इसके सेटिंग में आ गया तो आपको यह फ़ोटो आपका दिख रहा है, इसमें फ़ोटो देखिए आपका जो फ़ोटो है यह सेटिंग में आ गया है। तो आपको इस वाले ये उजला करके दिखा रहा है PNG जैसे यहाँ लिखा है, उसके ऊपर यह उजला है, जैसे यह थोड़ा सा उजला है, जैसे मैं इसको भर रहा हूँ यह उजला है। देखिए पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह PNG लिखा है उस पर उजला है, इसी पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वह पूरी तरह से आपके जो बैकग्राउंड है वह हट जाएंगे, जैसे कि यह वीडियो में देखिए
मैं बता रहा हूँ कि यह फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड था वह पूरी तरह से हट गया। जूम करके भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ भी दिख रहा है पूरा हट गया है। मेरे पैर के पास था वह सब हट गया, केवल मेरा फोटो दिख रहा है। तो आपको इसको सेट कैसे करना है तो मैं बता रहा हूँ। आप यह वीडियो को पूरा जरिए से देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ वहाँ से देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस फोटो को सेट करने के लिए, तीर के निशान पे। यह तीर के निशान पे क्लिक करने के बाद फिर से एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके जो गैलरी में जो बैकग्राउंड चेंज करने वाला फ़ोटो गैलरी से लेकर इसमें लगाए थे, बैकग्राउंड चेंज किए थे, वह कैसे सक्सेसफुली बैकग्राउंड चेंज हो गया, आपके गैलरी में सेव हो गया। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है आई मेजर सेट द सक्सेसफुल, तो यह आपके जो बैकग्राउंड में फोटो चेंज करने वाला है वो आपकी गैलरी में चला गया है। तो चलिए आपके गैलरी में दिखाता हूँ कि आपका जो फ़ोटो है वो पीछे के बैकग्राउंड हटा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह हमारे गैलरी में का जो फ़ोटो है इसी को बैकग्राउंड चेंज किए हैं, तो देखिए पूरी तरह से हट गया है। अब बैकग्राउंड चेंज करने वाला फ़ोटो ये था, इसी का चेंज किए हैं, ये फ़ोटो का चेंज किए हैं। ऐसे ही करके आप लोग अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लीजिएगा।